सीधे जम्मू कश्मीर से एक बड़ी जानकारी देंगे, क्योंकि कल भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि लंबी लंबी लाइनें टेस्टिंग जहां पर कोरोना की हो रही है वहां पर लगी है, लेकिन श्रीनगर के अंदर एक बार फिर कोरोना टेस्टिंग के लिए भीड़ लग गई है। और जम्मू कश्मीर में आप ये कह सकते हैं कि कोरोना का विस्फोट हो सकता है, क्योंकि प्रशासन की तैयारियों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कोरोना का हाहाकार लगातार जारी है देश भर के अंदर। लेकिन श्रीनगर का जब हम जिक्र करते हैं तो एक बार फिर कोरोना की टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं जहां पर श्रीनगर के अंदर कोविड की टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि कल भी हमने आपको जानकारी दी और कल भी आपको तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन आज भी तकरीबन वही स्थिति बनी हुई है। और कोरोना की रिपोर्ट लेने के लिए हो या फिर बात करें कोविड टेस्ट कराने के लिए, लंबी लंबी कतारें आज भी श्रीनगर के अंदर दिखाई दी, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना विस्फोट हो सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। और अगर यही हालात रहे तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य जम्मू कश्मीर का कैसा होगा। फिलहाल अगर जिक्र करें तो 3 दिनों के लिए जिस तरीके से उपराज्यपाल साहब की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया और ये भी जानकारी दी गई है कि नई जो पाबंदियां हैं उनका सभी को पालन करना होगा और पाबंदियों का सख्ती से पालन करते हुए जनता नजर आए, ऐसा भी कहा गया प्रशासन की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आती हैं प्रशासन की लापरवाही की तो आती हैं, लेकिन लोग भी लापरवाह होते हुए नजर आते हैं। जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे संवाददाता को वो तस्वीर मिलती है जो कहीं ना कहीं भविष्य की तस्वीर को दर्शाती है। फिलहाल अमजद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अमजद, स्थिति बताइएगा श्रीनगर की कैसी है, क्योंकि कल भी हम एक तस्वीर देख रहे थे जहां पर कोविड टेस्टिंग जहां पर होता है लंबी लंबी कतारें थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। क्या आज भी आपको उसी जगह पर वैसी ही तस्वीर नजर आई है जो प्रशासन पर कई सवाल खड़े करेगी? अमजद हर्ष, लगातार हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर कोविड के मामले जो हैं वो हर रोज के साथ में दुगने होते जा रहे हैं। 3000 से नीचे मामले जम्मू कश्मीर में आ नहीं रहे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें तो लगभग हर रोज 900 से 1000 के बीच में केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसके बाद मास टेस्टिंग का एक ड्राइव पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर कैंप साइट किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर गौर करनी चाहिए हमें वो ये है कि ये टेस्टिंग फैसिलिटीज लिमिटेड हैं, यानी एक पूरे वार्ड में एक टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां पर 1000 से 10000 लोग रहते हैं। वहां पर 2 डॉक्टर्स बैठकर टेस्टिंग सैंपल्स ले रहे हैं, 2 डॉक्टर्स सैंपल्स का रिपोर्ट दे रहे हैं, यानी एक जगह पर महज 4 से 5 बंदे हेल्थ डिपार्टमेंट के मौजूद होते हैं, जबकि वहां पर लोग जो टेस्टिंग के लिए आए होते हैं वो 100 से शुरू होकर 1000 तक चले जाते हैं। कहीं सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज ऐसी देखी गई हैं बीते दिनों में और आज भी देखी गई हैं अलग अलग जगहों पर, जिस तरह से तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं लगातार कि जो टेस्टिंग की लोकेशंस है वहां पर भीड़ इतनी है कि उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बड़ा कोरोना विस्फोट का जरिया बन सकती है ये भीड़, क्योंकि वहां पर मौके पर जो लोग मौजूद हैं वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं। हम ये बार बार कह रहे हैं प्रशासन से अमजद कि अगर टेस्टिंग कोई करवा रहा है, खुदा ना खास्ता अगर वो पॉजिटिव हुआ, जब तक उसकी रिपोर्ट आएगी, जिस तरीके से वो लाइन में लगा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो तकरीबन वो कई लोगों को पॉजिटिव कर चुका होगा। यही बात हम सरकार को कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, पर क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्योंकि तस्वीर हम दिखा भी चुके हैं, दिखा भी रहे हैं, ना वो सर्कल है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ना प्रशासन का कोई नुमाइंदा। जी देखिए हर तस्वीर बदल सकती है, पॉसिबिलिटीज है अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि हर टेस्टिंग साइट के पास या तो उन्हें एक जम्मू कश्मीर पुलिस की सेना या फिर जवान को वहां पर रखना पड़ेगा जो वहां पे उस मौके पर थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करवाए, या फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हमने आपको पहले ही कहा कि 1000 से 10000 लोग जब एक ही जगह पर टेस्टिंग के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी, जिसमें पॉजिटिव पेशेंट्स भी होंगे, नेगेटिव पेशेंट्स भी होंगे। लेकिन उसके विपरीत एक और बात आपको बताना चाहेंगे, जो अभी के लिए हमारा मेडिकल स्टाफ जो है सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, वो प्रेशर तो है ही, लेकिन उसके जो अगर हम लोग बरक दूसरे साइड को देखें तो उन पर काफी ज्यादा तरह के जुल्म भी हो रहे हैं। आजकल हम लोग जिस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इसको सीडी हॉस्पिटल कह रहे हैं, इस हॉस्पिटल से हम आपको कुछ ही देर में एक तस्वीर दिखाएंगे जो आप तक पहुंचाएंगे हम लोग। उस तस्वीर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि लोग अब कितनी हैवानियत पर आ चुके हैं। यहाँ से अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक कॉल आया कि यहाँ पर एक रेजिडेंट डॉक्टर है जो ऑन ड्यूटी है, कुछ छोटी मोटी बातों पर उन पर हाथ उठा है, और ऐसी तस्वीरें हमने अभी तक जम्मू कश्मीर से कहीं पर नहीं देखी थी। बाहर के स्टेट्स में हमने देखा था, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल की जो तस्वीर है,
अब वो हमें श्रीनगर के सीडी हॉस्पिटल के अंदर से भी देखने को मिल रही है कि डॉक्टर्स एक तरफ से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करने की कोशिश में है, लेकिन लोग हैं कि सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं है। यही लोग वहां पर भी कोरोना विस्फोट बनने की कहे तो हम लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, जो लोग टेस्टिंग फैसिलिटीज पर जाते हैं वहां पर किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को नॉर्म्स के बारे में मालूम नहीं है। लगातार पिछले एक साल से लोगों को नॉर्म्स के बारे में बताया जा रहा है, एक साल से लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। इस अस्पताल के बारे में जिक्र करेगा, थोड़ी तस्वीरें दिखाएगा, ये अस्पताल कौन सा है जो आप जानकारी दे रहे हैं, ताकि जनता समझ पाए कि अस्पताल में ऐसी जो घटना अब क्यों आई है, क्योंकि हम देख रहे हैं सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी बनी हुई है कि जब इलाज नहीं मिलता तो मरीज के परिजन कहीं ना कहीं आक्रोश में आते हैं, और ऐसी तस्वीर देश भर से सामने आ रही है जो आप जम्मू कश्मीर से भी अब जानकारी दे रहे हैं। कौन सा अस्पताल है? जी, ये हर्ष, सीडी हॉस्पिटल है, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है श्रीनगर का, जो सबसे पहले श्रीनगर के अंदर साल 2020 में कोविड सेंटर बनाया गया था, जहां पर सबसे ज्यादा पेशेंट्स अभी मौजूद हैं। यहां पर अभी का अगर हम काउंट बताएं तो लगभग 80 से 90 पेशेंट्स यहां पे कोरोना के मौजूद हैं, जिनको थोड़ी बहुत कुछ फैसिलिटीज की कमी हो जाती है तो वो आक्रोश में आ जाते हैं। सबसे बड़ी कमी यहां पर आज के दौर में हमें रेमडेसिविर मेडिसिन की देखने को मिल रही है, जो अवेलेबल तो है लेकिन डोजेस काफी कम है, पेशेंट्स तक डोजेस पहुंचाने में काफी समय लग रहा है, जिसकी वजह एक आक्रोश बन रही है और वो आक्रोश पे डॉक्टर्स तक पहुंच रही है। हम आपको थोड़ा सा ये जो बैक साइड आप हमारी बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जहां पे कोविड के पेशेंट्स मौजूद हैं सिटी हॉस्पिटल के अंदर, और इसी बिल्डिंग में ये घटना अभी से कुछ समय पहले हुई है जहां पर एक डॉक्टर पे हाथ उठा है। ये दिल्ली से हमने तस्वीरें देखी थी, लेकिन कश्मीर के अंदर ऐसी तस्वीरें हमें शायद ही कभी देखने को मिलती है, और जब भी मिलती है काफी दुखदायक तस्वीरें ये होती है हर्ष जो हम देखते हैं ऐसे हॉस्पिटल के अंदर से, क्योंकि ये वो स्टाफ है जो खुद के परिवार को घर को छोड़कर लोगों के लिए बाहर फील्ड पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की गलतियों की वजह से उन लोगों पर ऐसे अत्याचार होना ये जस्टिफाइड नहीं है हर्ष। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल अगर बात करें तो बड़ी जानकारी दे रहे थे अमजद, बता रहे थे जो अस्पताल का वो जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि अब कहीं ना कहीं परिजनों में आक्रोश है क्योंकि तस्वीर नहीं बदल रही किसी भी राज्य की। जम्मू कश्मीर में भी अभी ये हालात बने हुए हैं कि दवाइयां नहीं मिल पा रही है, किल्लत हो रही है और मरीज के परिजनों में आक्रोश है, डॉक्टर पर हाथ तक उठा दिया गया, जो जानकारी अभी दे रहे थे। फिलहाल डॉक्टर को आपको सुनवाएंगे क्योंकि हकीकत डॉक्टर ही बता सकते हैं, सच्चाई डॉक्टर ही बता सकते हैं। हम लगातार आपको डॉक्टर को इसलिए सुनवा रहे हैं ताकि आप हकीकत जान सकें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में तैयारियां कर ली गई हैं और जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सही समय पर होगी, सब कुछ होगा, दवाई की किल्लत नहीं है और जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से तैयार कितना है। लेकिन डॉक्टर हकीकत बयां कर रहे हैं, ये हकीकत आप सुनिएगा, उसके बाद हमारे सीनियर साथी सनम एजाज जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, और ये हम बार बार इसलिए डॉक्टर को आपको सुनवा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं हालात कैसे हैं। सुनिए, तो चलिए हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। फिलहाल डॉक्टर यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है काफी खराब हुई है, लेकिन जो सरकारें कह रही हैं सब ठीक ठाक है, पर कैसे? लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें भी बढ़ रही हैं, और अस्पतालों की बात अगर आप करोगे, यहाँ पे बेड्स फुल हैं, ऑक्सीजन जो सपोर्ट बेड्स है वो फुल है, आईसीयू बेड्स फुल हैं, वेंटिलेटर्स फुल हैं, यहाँ तक कि कई लोगों को आईसीयू बेड्स की ज़रूरत है बट वी डोंट हैव इट। तो दो तीन हफ्ते पहले वी जस्ट हैड टू डिजिट नंबर्स पॉजिटिव केसेस, अचानक ये बढ़ गया और वही बिहेवियर, वी हैड द सेम बिहेवियर जो दो तीन हफ्ते पहले यहाँ पे था, वही बिहेवियर आज भी है और अचानक ये बढ़ गया, विच गिव्स अस टू अंडरस्टैंड शायद या तो वायरस जो है ये म्यूटेटेड वायरस बाहर से आ गया है बिकॉज ऑफ ट्रैवलर्स, क्योंकि लगातार कश्मीर इज़ द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और यहाँ पे कभी भी टूरिस्ट जो इन्फ्लक्स है बंद नहीं हुआ और लगातार हो रहा है, डिस्पाइट केसेस आर राइजिंग, डिस्पाइट देर आर डेथ्स, आई डोंट नो फॉर रीजंस विच यू हैव टू टेल द गवर्नमेंट कि क्यों नहीं रोका जा रहा है ये इन हालात में भी। उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो वेरिएंट स्नीक इन हो गया है यहाँ पे बाहर का, या मुझे लगता है कि इंडिजिनसली कोई
म्यूटेटेड वेरिएंट है, दैट इज व्हाई ये वायरस जो है ये उस हिसाब से जिस तरह फर्स्ट वेव में था, इट हैज बिकम मोर एग्रेसिव, ये वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है एंड मुझे लगता है लीथल भी, क्योंकि ज्यादा मौतें हो रही है बनिस्बत की पहली वेव में. आप देख रहे हो वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इन्फेक्टेड. अगर आप एक फैमिली में जाओगे तो उनकी फैमिली आप करोगे, यू विल टेस्ट देम, पूरी की पूरी फैमिलियां पॉजिटिव आती है, ये हमने पहली वेव में नहीं देखा था. So, इसकी एक वजह यह हो सकती है वायरस का बिहेवियर चेंज हो गया है, और उसका बिहेवियर तभी चेंज हो सकता है जब इसकी म्यूटेशन होती है. सो पॉसिबली वी आर डीलिंग विथ ए म्यूटेंट, दैट इज द कॉज. सेकेंड जो है कि ये रिसर्जेंस क्यों होगी, बिकॉज मेनी पीपल आर अनवैक्सीनेटेड. जब आपके जो लोग हैं अनप्रोटेक्टेड होंगे, अनवैक्सीनेटेड होंगे, तो पीपल, दिस वायरस विल कीप ऑन इन्फेक्टिंग दोज पीपल. सो यू विल हैव वेव्स. एंड थर्ड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, क्योंकि उनको लगता है कि शायद दिस वायरस इज ओवर, इट्स होक्स, वट एवर द रीजंस, दे आर नॉट ट्रस्टिंग पीपल हु गिव देम द गाइडलाइंस. तो इन हालात को देखिए, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से कश्मीर के हवाले से कोविड की हालात ठीक नहीं है, और एवरी पासिंग डे इट्स गेटिंग वर्स. और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अगर आप मेरे साथ आओगे, देर आर सो मेनी पीपल हु वांट आईसीयू, दे डोंट हैव, सो वी कीप देम ऑन रेगुलर बेड्स. सेकेंड, आप दवाइयों की बात करते हो, वी डोंट हैव रेमडेसिविर. One drug, though it is not life-saving, but we give it. Another drug, which is tocilizumab, which saves lives, it's not available. Kai log, or one barrier is ki iska cost kafi hai. To aapne suna hakikat kya hai? और हमने आपको ये बाइट दोबारा इसलिए सुनवाई है क्योंकि लगातार हम ये बाइट सुनवा रहे हैं कि हकीकत ये है, प्रशासन कुछ और कह रहा है, डॉक्टर कुछ और कह रहे हैं, तो हकीकत क्या है? फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, सीधा रुक कर लेते हैं अपने सीनियर साथी सनम एजाज का, जो हकीकत आपको बताएंगे क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं. डॉक्टर से बातचीत करें, आम जनता से बातचीत करें, प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत लगातार करें. सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. एक बार फिर दर्शकों को बताइएगा हकीकत क्या है. डॉक्टर को हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अहम इंजेक्शन, अहम दवाइयां मेडिकल स्टोर पर नहीं है, अस्पतालों में नहीं है, बेड नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल साहब, प्रशासन तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, हम तो तैयार हैं, आगे आने वाली सिचुएशन दिल्ली महाराज की तरह होगी तो हम जनता को नहीं मरने देंगे. लेकिन मौतें आज भी हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, आंकड़ा बढ़ रहा है, और सच्चाई आप भी बताइए. देखिए, आज डॉक्टर निषाद लाकर जम्मू कश्मीर के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट से, देश के लगभग टॉप 10 में इनका शुमार होता है जो पल्मोनोलॉजिस्ट से, उन्होंने खुद अभी बताया कि हमारे अस्पतालों में जगह नहीं है, हमारे वेंटिलेटर खत्म हो चुके हैं, हमारा जो आईसीयू है वो खत्म हो चुके हैं. तो हमारे यहाँ महामारी बहुत ही ज्यादा फैली हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट अब वैक्सीन का था कि वैक्सीन, क्योंकि पहले पहले कश्मीर में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया, कश्मीर में लोगों को शायद ये मालूम था, पहले कुछ शक हुआ था, डाउट हुए थे कि लोगों ने लगा, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया, लोगों ने समझाया, उनको समझाया गया कि वैक्सीन के लिए जब लोग आना शुरू हुए तो वैक्सीन आए, तो इस वक्त ना कश्मीर में रेमडेसिविर है, ना वैक्सीन है, और ना ही वो दूसरी दवाई, मतलब कब नाम की जो दूसरी दवाई है जो रोज कंपनी बनाती है, तो तीनों दवाइयां जो इस कोविड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो नहीं है. अब हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारे यहाँ बहुत बनता है, लेकिन ऑक्सीजन बनेगा तो उसके बाद उन जो पेशेंट थे उनको लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो ऑप्शन के लिए पत्र डिपार्ड होते वो नहीं है. तो सिचुएशन इस वक्त हमारे पास जो है ये वर्क सिचुएशन है. और सवाल ये भी है ना सनम, सवाल ये भी है कि क्या हम ऑक्सीजन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि जब जनता को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तभी हम वो चीजें सुधारें? अगर पहले ही आप उन दवाइयों की किल्लत को दूर कर देंगे, पहले ही ये नौबत नहीं आएगी कि ये जनता ऑक्सीजन तक ही ना पहुंचे, उसके पहले ही आप तैयारी कर लीजिए ना. अच्छी बात है आप ऑक्सीजन को लेकर तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं दुनिया भर के देशों का और अपने ही राज्यों का अलग अलग, लेकिन क्या वो किल्लत पहले से दूर नहीं की जा सकती? सबसे इम्पोर्टेंट तो दवाइयां हो जाती हैं सनम. हर एक साल का समय था हमारे पास, और इस एक साल में कुछ हुआ नहीं इस कोविड को लेकर, और इस एक साल के बाद इस वक्त सरकार हाथ पांव मार रही है,
लेकिन हमारे यहाँ यही कहा जाता है आग लगने पे कुआं खोदने वाला, उसमें तो सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम सबसे पहले हम जो वैक्सीन की बात करें तो पूरे देश में वैक्सीन की जरूरत है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ वैक्सीन की प्रोडक्शन नेशनल लेवल पे नहीं है, तो यहाँ क्या इतना हिस्सा आएगा और उससे लोगों का यहाँ पे भरपाई हो पाएगी? करोड़ों की नहीं, हमारे देश की आबादी 1 करोड़ 30 लाख 1 अरब 30 करोड़ है। 1 अरब 30 करोड़ में हमारे 2 करोड़ भी एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर के। तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि पूरे देश की समस्या है जो वैक्सीन की है, सिर्फ दवाइयों के हवाले से। दवाई के हवाले से भी यहाँ कुछ दवाइयाँ थी जो स्टॉक थी, लेकिन जो पिछले दिनों जो दिल्ली में हाहाकार मची तो हमारे यहाँ हमने सब भी खबरों को ब्रेक किया था। हम जो प्रशासन तक ये बात पहुंचाई थी कि आपका कश्मीर से रेमडेसिविर स्मगल होकर दूसरी स्टेट से जा रहा है, यहाँ पे 2-2.5 हजार रुपए की कॉस्ट है दिल्ली और दूसरी स्टेट में, जहाँ बहुत ज्यादा मजबूरी थी। वो ये स्मगलर जो लोग हैं वो 30-40 हजार में बेचा करते थे वहाँ पे, तो यहाँ एक वो शॉट हो गई जिसको यहाँ पे इस्तेमाल थी। और अब नई जो आनी है, यहाँ का प्रशासन जो है, यहाँ का डिपार्टमेंट है हेल्थ विभाग जो है, वो काफी अब कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वही बात है ना कि अंधा बांटे रेमडेसिविर तो मुड़ मुड़ के भी अपने को, तो किन किन को दे यहाँ पे ये रेमडेसिविर किसको मिलेगा? ये यहाँ पे जो ये इसके लिए वैक्सीन है, वैक्सीन के साथ साथ जो बाकी दवाइयां ये इस वक्त जो कंपनियां बना रही हैं। एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले अमजद थे वो भी तस्वीर दिखा रहे थे, आप भी वो तस्वीर भेज रहे हैं। दरअसल क्या हो रहा है कि टेस्टिंग के लिए लोग जा रहे हैं, अब टेस्टिंग कराएंगे तभी पता लगेगा कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। अब अगर उसमें से कोई भी एक पॉजिटिव आएगा तो कितनों को पॉजिटिव करेगा? दरअसल ये एग्जांपल हम दूसरे राज्यों से देख चुके हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में तकरीबन ऐसा हो रहा है कि 8 से 9 दिन लग रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट आने में, और तब तक वो व्यक्ति कम से कम 13-14 से ज्यादा लोगों को पॉजिटिव कर देता है। अगर ये हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने, अभी फिलहाल ऐसी नौबत नहीं आई है, तो आप क्या कहेंगे कि कोरोना विस्फोट होना तय है? क्या प्रशासन को ये तस्वीर नहीं देखनी चाहिए सनम? देखिए हर्ष, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि वो तस्वीर नहीं बनी है, क्योंकि हमारे हेल्थ सेंटर, हमारे अस्पतालों के बाहर जो भीड़ है वहाँ पे जरूरी है, कोई ना कोई आएगा उन लोगों को, अब उनका पता चलेगा उनके टेस्ट के बाद, जब उनको सिम्टम रिजॉल्व होंगे तब पता चलेगा वो पॉजिटिव हुए या नहीं हुए। तो अभी ये कहना कि अभी विस्फोट नहीं हुआ है, यहाँ बहुत से विस्फोट होने हैं, यहाँ बहुत कुछ होना है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये जो विस्फोट है जो कोविड का विस्फोट, ये बहुत बड़ा होने वाला है, और हमारे यहाँ लोगों ने पहले से इस पर पूरी तरह से तैयारी तो की, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया, और अभी भी बहुत से लोग हैं जो अभी भी इसको मजाक बता रहे हैं, जो अभी भी समय है उनके पास, वो इसको सीरियसली नहीं। और प्रशासन ने भी बहुत से कई ऐसे कदम उठाए जो जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी का हाथ नहीं होता है। अगर हमारे यहाँ लॉकडाउन की बात की गई, पहले जो लॉकडाउन लगाया गया होता तो आज शायद ये हालत नहीं होती। पिछले साल भी यही हुआ चीन के बाहर में, जब ये समझा जाए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को आखिरी तौर के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जब आखिरी विकल्प आपके पास कुछ ना हो तो आप लॉकडाउन लगा दीजिए। दिल्ली के हालात हमने देखी, केजरीवाल ने कह दिया जी हमारी अस्पतालों की व्यवस्था तो चरमरा गई है, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भी नौबत ऐसी आ गई है कि लॉकडाउन लगाया जब कोई उपराज्यपाल साहब ने तो हम ये कह दें कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की व्यवस्था भी चरमरा गई, अब कोई ऑप्शन नहीं है, चलिए लॉकडाउन लगाते हैं तब चाहे स्थिति बेहतर हो? देखिए मोदी जी ने बताया कि लास्ट ऑप्शन है उनके पास, लेकिन और क्या ऑप्शन है? इस कोविड का और कोई ऑप्शन होता बचने का तो बता ही देते, प्रधानमंत्री अपने मन की बात में बता दिया कि लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन कोई और ऑप्शन तो नहीं बताया ना कि क्या करना है। कोई इसका ऑप्शन है ही नहीं, दवाई है ही नहीं, लास्ट ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन इसका लॉकडाउन है, लोगों को घरों में जबरदस्ती रोकना है, तो वो समय पर नहीं हुआ। और वही वजह है आज ही प्रशासन ने अभी शाम 7 बजे से कश्मीर में लॉकडाउन लगना है, और ये भी छोटे समय का 3-4 दिन का, जिसको हम कहते हैं खाना पूरी वाला लॉकडाउन, 10 दिन का अगर लॉकडाउन लगता है कश्मीर में लोग घरों में, लेकिन लॉकडाउन कौन सा लॉकडाउन होना चाहिए? यहाँ थोड़ा सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, वो तमाशे वाला लॉकडाउन अगर होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा कहें एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त इकदाम उठाने ताकि लॉकडाउन लगे, घरों में लोग फोर्सेबली लोगों को बंद रखा जाए, और उसके बाद ये बम जो है ये विस्फोट में ये रुकना बंद हो जाएंगे। अदरवाइज नहीं लगता है तो सिचुएशन इस वक्त कश्मीर की है, जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं 500 केस आ रही है, अभी बताऊं 12 के करीब डेथ तक हो चुकी है, या आज दिन में कल 30 हुई थी। एक छोटे से राज्य में जहाँ 1-2 करोड़ की आबादी है वहाँ कोविड से दिन में 30 लोग अगर मरते हैं तो बहुत बड़ी
चुनौती नहीं, बहुत गंभीर सिचुएशन है। बिल्कुल सर, यानी सिचुएशन से निपटना होगा, नहीं तो इस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये शब्द आप इस्तेमाल कर ही लीजिए कि कोरोना विस्फोट हो ही चुका है जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि सिचुएशन आखिर कैसी है।